रीवा में अमहिया स्थित दरगाह के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। दरगाह को कथित तौर पर अतिक्रमण बताने वाले भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी के खिलाफ अब मुस्लिम समाज के नेता खुलकर मैदान में आ गए हैं। मुस्लिम समाज के नेताओं ने विधायक को नया मुल्ला बताते हुए कहा कि जिस तरह से नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, उसी तरह से पहली बार विधायक बने सिद्धार्थ तिवारी खुद को चर्चाओं में लाने मुस्लिम समाज की आस्था को निशाना बना रहे हैं। दरअसल बुधवार को मुस्लिम समाज व कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से अमहिया स्थित दरगाह मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अब्दुल सईद मिस्त्री, मुस्तहा खान व वसीम राजा मौजूद रहे। उक्त तीनों नेताओं ने दरगाह मामले को लेकर विधायक पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले विधायक खुद अपने घर की जमीन को बताएं कि आखिर वह किसकी जमीन पर रहते हैं और फिर दूसरी जगहों को अतिक्रमण बताएं। उन्होंने कहा कि दरगाह पट्टे की जमीन पर है और उसके सारे दस्तावेज भी मौजूद हैं, लेकिन विधायक किसकी जमीन पर है यह उन्हें बताना होगा। फिलहाल इस मामले को उठाने पर मुस्लिम समाज के नेताओं ने विधायक पर जिले का माहौल बिगाड़ने और शांति व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधायक सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। फिलहाल उन्होंने विधायक सहित पूरे इलाके के जमीनों की जांच कराने की जिला प्रशासन से मांग की है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात कही। अभी जो हाल में घटना घटी, लगभग 5-7 दिन पहले भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी ने हमारी एक मुस्लिम समाज की एक मज़ार है मैया मोड़ में सैयद जहूर अली शाह के नाम से, उसको उन्होंने अतिक्रमण करार दिया कि अतिक्रमण में है, इसको हटाया जाए। तो उस बात को लेकर आप सबके बीच में आए हैं। और चूंकि बात यह है कि सिद्धार्थ तिवारी जी को शायद उसके बारे में एक लाइन के भी नॉलेज नहीं है कि वो अतिक्रमण में मजार है, मजार किसकी है, जमीन किसकी है। सिर्फ उन्होंने जो बात रखी है वो इस तरीके से रखी है कि नफरती भाषण बयानबाजी उनकी दिखाई पड़ती है। और इसी बात को लेकर आप सबके बीच में हम, हमारे साथ हमारी वो जो जमीन है और जो मज़ार बनी है वो व्यक्तिगत रूप से पट्टे की ज़मीन है, यहाँ नजूल की ज़मीन है, उसका सीमांकन अभी 2002 महीने पहले हुआ है 24 में। और ये सब बातों को लेकर आपके बीच में हम यहाँ पे आए हैं। मज़ार की नाप भी हुई है क्या, अतिक्रमण भी पाया गया? अतिक्रमण को अभी तो कोई नाप नहीं हुई उसकी, न कोई प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई सूचना मिली है। और सवाल अतिक्रमण का है ही नहीं है, चूँकि वो हमारे वक्फ बोर्ड में ये 1983 में इसका दर्ज हुआ था और इसके बाद 84 के सर्वे हुआ, सर्वे में आया ये और ये गजट में आया। गजट में नोटिफिकेशन हुआ है मज़ार के नाम से 13 हेक्टेयर के उसकी ज़मीन है उस मज़ार की। तो सवाल ये है कि उन्होंने इस तरीके की बात करके समाज को, और माने सिर्फ मुस्लिम समाज को ही नहीं दूसरे समाज को भी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। आज उस भ्रम को समाप्त करने के लिए हम ये कागज़ भी आपके सामने रख रहे हैं। ये आपका ये गजट है, गजट में ये 13-12 हेक्टेयर है इसकी दरगाह की ज़मीन पूरी, ये आपकी जो सैयद जहूर अली शाह के नाम से है। दूसरी बात, ये वक्फ बोर्ड में दर्ज है तो सवाल ही नहीं होता कि अतिक्रमण का। और इसका अभी सीमांकन हुआ है, उसका जो नगर निगम के जो होते हैं चार्ज वो वगैरह भी जमा कर रहे हैं। हमारे एक हाजी मन्नान साहब के परिवार है, वो उसकी पूरी देखभाल करता है और उन्हीं के स्वामित्व की ये ज़मीन है। कितने एकड़ में? ये 12 हेक्टेयर में है, लगभग 3 डिसमिल। अतिक्रमण में एक भी नहीं है? अतिक्रमण में एक भी नहीं है। और एक बड़ी बात आपको बताएं, अभी वो आने वाले थे, जिनकी ज़मीन है उनके बड़े भाई कुछ तबीयत खराब हो गई, वो चले गए थे। वो सवाल इस बात का है कि उनकी आप बड़प्पन देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर हम आपको प्रशासन को इस बात की दिक्कत हो रही है हमारे स्वामित्व की ज़मीन,
लेकिन प्रशासन अगर चाह रहा है कि आपको यहाँ पे कंजेस्टेड हो रहा है, जाम लग रहा है, तो हम अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं। एक फुट एक आध फुट हम पीछे कर लेंगे अपनी बाउंड्री दरगाह वाली, लेकिन अतिक्रमण में ये नहीं है, ये हमारी ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की अमहिया में कितनी ज़मीन है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन लगभग 1819 एकड़ ज़मीन है। ये पूरा आपका वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है पूरा